उसमें हाँ, जो टैली की टैली में एंट्री होती है ना, उसी टाइप से होती है। उसमें आप जब सोना जराबी करते हैं उनसे चार्ज लेते हैं, आप उनसे फीस लेने की एंट्री करते हैं, तो उसमें होता है। अब एक बार यहाँ पे टैली में ओपन करते हैं आप, इसमें एस्केप की प्रेस करेंगे, आपके सामने कंपनी ओपन हो जाएगी। आपका अंडर एक्सपेंसेस सर, यहाँ पे आप प्रेस करते हैं सी, यहाँ पे आप हॉस्पिटल के नाम की कंपनी बना देंगे। फिर आप एंटर करें, फिर यहाँ पे मेरे नेम में आप वो नाम डाल देते हैं जो नाम आपको अपने बिल, मतलब जो आप पेशेंट को स्लिप वगैरह देते हैं उस पर प्रिंट करना। एंटर करना, यहाँ पे आप डाल देंगे एड्रेस, और अगर आप उस स्लिप में एड्रेस के नीचे अपने हॉस्पिटल का मोबाइल नंबर प्रिंट करना चाहते हैं, आप मोबाइल नंबर यहीं एड्रेस के नीचे टाइप कर दें। फिर एंटर करना एंटर, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे कंट्री, एंटर करेंगे स्टेट हो जाएगा आपका एमपी, इंडिया में आप एमपी में कर। फिर आप डाल देंगे यहाँ पे पिन कोड, पिन कोड अपन डालते हैं एड्रेस के हिसाब से। फिर यहाँ आप डालेंगे टेलीफोन नंबर, यहाँ पे हॉस्पिटल की ईमेल आईडी, अभी नहीं है तो आप ऐसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। एंटर करेंगे करेंसी सिंबल, अपन ने कंट्री ली थी इंडिया, तो करेंसी सिंबल हो जाएगा रुपीज। और फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है मेंटेन, आप मेंटेन क्या कर रहे हैं, इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे अकाउंट ओनली, क्योंकि अपन सिर्फ अकाउंट वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा अकाउंट ओनली। अकाउंट ओनली इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं, हॉस्पिटल में क्या होता है सिर्फ केस का लेन देन होता है, केस आता है और केस जाता है, वहाँ पे माल का कोई लेन देन नहीं होता। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे अकाउंट ओनली, और यहाँ पे अगर अभी आप जी मेल आई डी डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइप कर दें। फिर आपसे यहाँ पे पूछ रहा है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर अपना हो जाएगा 1 अप्रैल to 31 मार्च। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है बुक बिल्डिंग, देखिए जिस दिन फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है उसी दिन बुक ओपन हो जाती है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया है 1 मई से, मतलब 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया, और अपना हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ 1 मई से या 15 मई से, जितनी भी डेट से आपने स्टार्ट किया, आपके अकॉर्डिंग जिस दिन हॉस्पिटल स्टार्ट होगा उसी दिन बुक ओपन होगी। आप चाहें तो यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हैं जिस दिन आपने अपना हॉस्पिटल स्टार्ट किया, और आप चाहें तो यहाँ पे वो डेट भी डाल सकते हैं फाइनेंशियल ईयर, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंटर करते फिर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है पासवर्ड, अगर आप अपने टैली का पासवर्ड देना चाहते हैं आप यहाँ पर पासवर्ड टाइप करेंगे, एंटर करेंगे, वही पासवर्ड आप यहाँ पे रिपीट कर देंगे। फिर आप एंटर करते हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, देखिए ये भी पासवर्ड है ये भी पासवर्ड है, अगर आप सिर्फ टेलीकॉल पासवर्ड यूज करते हैं इससे क्या होता है, आप जब कंपनी सिलेक्ट करते हैं आपको आपकी कंपनी इंदुजैन हॉस्पिटल के नाम से होना चाहिए, वहाँ पर आपको नाम देखने को नहीं मिलेगा, स्टार स्टार बना हुआ आ जाता है। और अगर आपने सिर्फ यूज सिक्योरिटी कंट्रोल से यूज किया है, इसमें क्या होता है कंपनी आपका नाम से शो होगी, आप जैसे नाम पे जैसे एंटर करेंगे तो आपको यूजर नेम डालना पड़ेगा, तो दोनों ऑप्शन है, अगर आप दोनों साथ में देना चाहते हैं तो दोनों भी दे सकते हैं, सिर्फ एक ही पासवर्ड यूज करना है तो एक भी कर सकते हैं। अभी देखिए इस ऑप्शन पर नो है तो आपको इससे नीचे यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा, जैसे ही आप आई प्रेस करेंगे एंटर करेंगे ऑप्शन यस हो जाएगा, देखिए इसके ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आपको यूजर नेम देना है, आप अपने मन से कुछ भी यूजर नेम इसमें डाल सकते हैं, अभी अपन डाल देते हैं आईसी। जब आप कहीं वर्क करते हैं तो आपको वहाँ पे जो भी यूजर नेम देना है अपने अकॉर्डिंग आप टाइप कर देना है, यूजर नेम आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हैं। फिर एंटर करना, यहाँ पे आप डालना पासवर्ड, पासवर्ड आप चाहें तो सेम पासवर्ड भी दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ और पासवर्ड भी डाल सकते हैं, अपन दे देते हैं 1 2 3 4। एंटर करते हैं, यही पासवर्ड अपन यहाँ पे रिपीट कर देते हैं। फिर आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यूज टैली ऑडिट फीचर, क्या आप टैली की और ऑडिट फीचर इसमें ऐड करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को अपन नो कर देंगे क्योंकि अपन को टैली के जितने फीचर्स की नीड रहती है वो ऑलरेडी अपन के पास टैली में रहते हैं, पहले से दिए रहते हैं, इसलिए इस ऑप्शन को आप नो कर देंगे। फिर आप एंटर करेंगे, ये तो हो गई आपकी कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन,
अब यहाँ आपसे ले रहा है बेस करेंसी कन्फर्मेशन, यहाँ पे आपने जो करेंसी सिंबल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले ली। और करेंसी सिंबल किससे आता है अपनी कंट्री के हिसाब से चेंज हो जाता है। अभी जैसे ही आप यहाँ पे कंट्री चेंज करेंगे, अपन ने कर दिया यहाँ पे यूके, देखिए करेंसी सिंबल आपकी चेंज होगी। यहाँ पे करेंसी सिंबल आता है कंट्री के हिसाब से, आप इंडिया डालेंगे तो इंडिया में आ जाएगा। डाल देते हैं इतना आप लोग बना लेंगे, इतने में कोई डाउट हो तो पूछिए फिर आई होता है इतना आ जाएगा आप लोग। फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है बेस करेंसी इन्फॉर्मेशन, इसमें बेस करेंसी सिंबल अपना क्या हो जाएगा रुपीस, यही है अपना करेंट सिंबल। इसका फॉर्मल नेम होता है इंडियन रुपीस, इसका पूरा नाम रहता है इंडियन रुपीस, तो फॉर्मल नेम में आ जाएगा इंडियन रुपीस। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, आप नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू इसमें कितनी लेना चाह रहे हैं। डेसिमल वैल्यू मतलब जो पॉइंट की बात की आपकी वैल्यू रहती है। अब नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यू का मतलब है डेसिमल प्लेस कि आप इसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस लेना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अगर आप कोई भी अमाउंट लिखते हैं अगर वो डेसिमल से पहले है तब तक तो रुपीज में रहता है, डेसिमल की बात जैसे ही आप उसमें डेसिमल से कोई भी वैल्यू लिखेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगी पैसे में, क्योंकि डेसिमल से पहले रुपीज रहता है, डेसिमल की बात वो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है। अब अपन यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस दो ले रहे हैं, दो आप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं अगर आपने डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू लिखी वो पैसे में कन्वर्ट है, अगर डेसिमल के बाद आपने 99 पैसे लिखे हुए हैं उसमें अगर अपन एक पैसा भी ऐड करते हैं तो एक रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए अपन यहाँ पे दो वैल्यू ले रहे हैं। फिर आप एंटर करिए, आपसे यहाँ पूछ रहा है इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट, क्या आप अपना सिंबल अमाउंट से पहले शो करना चाह रहे हैं। अमाउंट से पहले मतलब आप लोगों ने देखा होगा आपको कोई भी बिल मिलता है, कोई भी हॉस्पिटल वगैरह का पर्चा मिलता है, स्लिप मिलती है, उसमें क्या होता है पहले आपका अमाउंट लिखा रहता है, अमाउंट के पीछे रुपीज़ का सिंबल होता है। अगर आप चाहते हैं रुपीज़ का सिंबल पहले आ जाए अमाउंट बाद में आए तब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अगर आपको पहले अमाउंट लिखना है बाद में सिंबल उस कंडीशन में आप इसे नो रन देंगे। फिर आपसे पूछ रहा है सिंबल फॉर डेसिमल पोजिशन, डेसिमल के बाद की जो सिंबल रहेगा उसकी पोजीशन क्या होगी। अभी हमने आपको बताया था डेसिमल से पहले रुपीज, डेसिमल के बाद वो पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे, आपसे यहाँ पूछ रहे हैं सो अमाउंट इन बिलियन, क्या आप अपना अमाउंट बिलियन में शो करना चाहते हैं, तब आप इस ऑप्शन में यस करते हैं। अपन इसको नो रख देते हैं क्योंकि अपन अपना अमाउंट बिलियन में शो नहीं करते, नॉर्मल लिखते हैं 10,000 है तो 10,000, 1,000 है तो 1,000, मिलियन में शो नहीं कर पाते। फिर आप एंटर करेंगे, आपसे पूछ रहा है स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, क्या अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस रखना चाहते हैं, मतलब आप बिल या स्लिप वगैरह पे जब अमाउंट डालेंगे स्पेस देने के बाद आप सिंबल लिखेंगे, अगर ऐसा करना चाहते हैं तब आप इस ऑप्शन को यस करेंगे, अगर आप दोनों के बीच में स्पेस नहीं देना चाहते तब आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे। फिर यहाँ आपसे पूछ रहा है डेसिमल प्लेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड, आप डेसिमल वैल्यू कितनी प्रिंट करना चाहते हैं। अपन ने यहाँ पे दो दो डेसिमल वैल्यू प्रिंट, दो नहीं कर सकते करने के बाद आप